कहीं दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है कुछ इस तरह का वीडियो है। देखिए चार नंबर, तीन तक खत्म हो गया, नहीं देखे तो देख लीजिए। ये मोटिवेशनल बातें हैं, हाई मोटिवेशनल बातें जो आपके अंदर एनर्जी को हाई लेवल तक ले जाएगा। ये जो है स्पेशली क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है। अक्सर कोई भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एनर्जी का पावर है, ये एनर्जी का पावर बैंक है, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज जो समझने वाले हैं, स्टूडेंट लाइफ में ये जो दो बातें हैं ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये हमेशा दो बातें याद रखना है। आप सोच रहे होंगे क्या दो बातें, क्या हम खुद ही बता दें आपको? नहीं, हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लीजिए ना, आपके सामने है। लेकिन देखने से पहले आप रुक जाइए, देखने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वरना नहीं जाना है। तो जल्दी से दायां साइड में सब्सक्राइब बटन है, दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए कहां चलते हैं, ये जो दो बातें हैं क्या याद रखना है उसको पहले समझ लेते हैं, खुद ही देख लीजिए। अगर बदलने हो तो अपने रास्ते बदलो, मगर अपने इरादे कभी मत बदलो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जाने के लिए माँ शारदा से अनुमति मांगी तो माँ शारदा ने कहा, पहले तुम वहाँ पर रखे हुए चाकू को लाकर मेरे हाथ में पकड़ाओ। स्वामी जी ने चाकू लाकर माँ शारदा को पकड़ाया और उसके बाद माँ शारदा ने कहा, अब तुम पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और कल्चर का प्रचार प्रसार करने में सक्षम हो। अब तुम जो करना चाहते हो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, किंतु माँ आपने मेरा परीक्षा ही नहीं लिया। तब माँ शारदा ने कहा, मैंने जब तुम्हें चाकू मांगा वही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह धार वाले हिस्से को मुझे पकड़ाता और लकड़ी वाले हिस्से को खुद पकड़ता, किंतु तुमने धारदार हिस्से को खुद पकड़कर लकड़ी वाले हिस्से को मुझे पकड़ाया। जो व्यक्ति खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता, तुम असाधारण हो। स्वामी जी जब स्पीच देने के लिए शिकागो गए हुए थे तब एक दिन एक महिला ने उन्हें देखकर कहा कि आपको जेंटलमैन की तरह कपड़े जूते पहनने का शौक नहीं है क्या? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आपकी संस्कृति में अच्छे कपड़े अच्छे जूते सूट बूट में आने वाला इंसान ही जेंटलमैन होता है, लेकिन हमारी संस्कृति में जिस इंसान का चरित्र अच्छा होता है, जिसका कैरेक्टर सही होता है, वही जेंटलमैन होता है। किसी भी इंसान का फर्स्ट इम्प्रेशन उसका पहनावा उसका कपड़ा ही होता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। किसी भी इंसान का करेक्टर उसका चरित्र उसकी आदतें लंबे समय के लिए इम्प्रेसिव होता है। जिस इंसान का चरित्र अच्छा होता है वही महान होता है। स्वामी विवेकानंद के चरित्र ने ही उनको महान बनाया है।